गाइस हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2 मिनट्स मेकअप चैलेंज। मैंने पिछले बार शेयर किया था 5 मिनट्स मेकअप चैलेंज, अगर आपने अभी तक उसे चेक नहीं किया है तो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी, प्लीज़ जाकर उसे चेक कीजिए। एंड आज मैं आप लोगों के साथ 2 मिनट्स मेकअप चैलेंज शेयर करने वाली हूँ। एंड इसके पीछे एक ही मकसद है कि आजकल इतनी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है हम सबका कि अगर हम लोग ऐसे टाइमर देकर 2 मिनट में पूरा रेडी हो सकते हैं तो हमारा टाइम सेव होने के साथ साथ हम एकदम प्रो हो जाएंगे एवरीडे मेकअप लुक क्रिएट करने में। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, स्टार्टेड। तो पहले मैं सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी बिकॉज ये एक डे टाइम लुक है एंड मैं कभी भी सनस्क्रीन स्किप नहीं करती। एंड दिस इज सनस्क्रीन फ्रॉम न्यूट्रीजना। एंड उसके बाद मैं ये लैक्मी का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन इस्तेमाल करूँगी अपने अंडर आइज पर एंड अपने पिगमेंटेड एरियाज पर। मैं से बात करते करते आई एम डूइंग दिस लुक क्योंकि ज़्यादातर हम लोग तो ऐसे बात करते करते ही रेडी होते हैं, सो इट विल बी वेरी रियलिस्टिक आई गेस। ओके, सो That's it for every day. And next मैं Maybelline Fit Me का ये compact इस्तेमाल करूँगी। This is very good. And इसके साथ आपको एक mirror भी receive होता है, so it comes very handy. Oh my god. अगर आपकी skin बहुत ही dry है then you can skip this step. So next I'm going to apply lipstick. And next blush. This blush is from ये actually एक lipstick है Wet n Wild का। And जो lipstick मैंने actually apply किया है वो NY Bay की है। जितने भी links and all है सब कुछ मैं description box में provide कर दूंगी। So blush is done. अभी मैं थोड़ा सा काजल apply करूंगी। यह लैक्मे आइकॉनिक आई का काजल। शिट, टाइम्स अप। एंड आई थिंक मेरा जो लुक है वो काफी कंप्लीट ही है मेरे ख्याल से, बिकॉज यू कैन सी कि मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है, ब्लश अप्लाई किया है एंड माय बेस इज डन, क्योंकि मैंने अपने फेस पर सनस्क्रीन जो कि मस्ट है सनस्क्रीन अप्लाई किया है एंड उसके साथ मैंने काजल भी थोड़ा बहुत अप्लाई किया है। आप चाहे तो वो स्टेप स्किप करके आप मस्कारा भी अप्लाई कर सकते थे। मेरे आईब्रोज थोड़े से डार्क ही है एंड रिसेंटली आई हैव डन माई आईब्रोज, सो मैंने अपने आईब्रोज को शेप नहीं दिया है, बट आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल 2 मिनट्स के अंदर ये एक काफ़ी अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट हुआ है। वैसे तो एवरीडे पर मैं मस्कारा अप्लाई करना नहीं पसंद करती जस्ट बिकॉज उससे लैशेज बहुत ही भारी हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट एंड नेचुरल ही पसंद करती हूँ। लेकिन जो मैंने सोचा था वो थोड़ा सा रह गया है, विच इज दिस यूवी वाटर स्प्रे फ्रॉम वाओ स्किन साइंस। और मैं हमेशा इसे अपने होल मेकअप को सेट करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। वो थोड़ा सा स्किप हो गया बिकॉज मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम हुआ है। सो आई एम स्प्रेइंग दिस ओवर माई फुल मेकअप। वाओ, इसका जो फ्रेग्रेंस है, माय गॉड, दिस इज सो ऑसम। सो या फ्रेंड्स, दिस इज माय फाइनल फिनिश्ड लुक। आई होप यू ऑल लाइक दिस लुक। एंड आपके हिसाब से ये जो 2 मिनट्स मेकअप चैलेंज है इसमें मैं पास हुई या फेल, वो आप जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे ख्याल से तो ये मेरे लिए ठीक ठाक ही है। मैं एक मोनोक्रोम ऐसा एक सिंपल सा लुक ही एवरी डे पर पसंद करती हूँ। कोई हेवी मेकअप नहीं पसंद करती हूँ, कोई चंकी सा हाईलाइटर नहीं पसंद करती। लेकिन मैंने एक चीज स्किप कर दिया था, सो उसके ये आप लोग क्या मुझे फेल करा देंगे या फिर फॉर यू ऑल ये वाला जो मेकअप लुक है वो पास था, जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। एंड ऐसे अगर चैलेंजेस आप और भी देखना चाहते हैं, मे बी अ 2 मिनट स्किन केयर चैलेंज, ये बहुत ही दिनों से मेरे दिमाग में आ रहा था। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्किन केयर 2 मिनट्स के अंदर करूं तो वो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। दैट विल बी वेरी फन यू नो टू शूट। सो गाइस, आज का वीडियो यहां तक ही था। होप दिस वन वॉज वेरी एंटरटेनिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय।